हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हॉल है फेस्टिव स्पेशल है। सारे जितने भी हॉल आएंगे वो फेस्टिवल के हिसाब से आएंगे, अकॉर्डिंग टू फेस्टिवल ड्रेसेस, ज्वेलरी और इनफैक्ट डेकोरेशन वगैरह का, किचन वगैरह का जो जितना भी सामान आएगा। फेस्टिवल स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारे फेस्टिवल जो है निकल भी चुके हैं। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो हैप्पी नवरात्रे, हैप्पी नवमी, हैप्पी दशहरा एंड हैप्पी करवा चौथ और हैप्पी दिवाली। एडवांस में हैप्पी दिवाली। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो ब्लाउजेस मंगवाए हैं स्पेशली मैंने फेस्टिवल, मतलब फेस्टिवल के हिसाब से या फिर वेडिंग पर्पस के हिसाब से मंगवाए हैं। वेडिंग जो है अब स्टार्ट होने वाली है, बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं वेडिंग की, अपना कलेक्शन इकट्ठा कर रहे हैं, तो उस हिसाब से सारे ब्लाउज मंगवाए। इससे पहले मैंने एक और ब्लाउज हॉल जो है शेयर किया था, आप लोगों ने उसको बहुत ज्यादा पसंद किया, आप लोगों का इतना सारा प्यार मिला उस ब्लाउज वाले हॉल में। उसके लिए थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा कलेक्शन मैंने मंगवाया था। फर्स्ट ब्लाउज है ये, इसका ये बैक नेक आएगा, एकदम जो सिल्क वाला कपड़ा होता है ना, जो सिल्क साड़ियां जो होती हैं, जो साड़ियां जिस कपड़े में होती हैं सिल्क वाली, वही कपड़ा है इसमें। जैकार्ड सिल्क नहीं है, ये सिल्क वाला ही है। और ये ब्रॉकेट दी हुई है, कपड़े की है, कोई भी प्रिंट नहीं है इस पे। ये प्रिंट बिल्कुल भी ना, यही ये वाला गोल्डन वाला तार प्रिंट है ना, ये रेड रेड वाला है, सारा ब्रॉकेट का काम हुआ है। काफी डीप नेक है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट का डिसेंट सा नेक आएगा, बहुत ज्यादा मतलब ठीक है, ब्लाउज में तो इतना होता ही है। इसके शोल्डर जो है अच्छे से कट दिए हुए हैं, बहुत ज्यादा कट, डीप कट भी नहीं है, फिर भी अगर आपको लगे तो ऊपर से थोड़ा सा इसको आप ऐसे करके टाइट कर सकते हो, शोल्डर अगर प्रॉब्लम लगे। इसकी जो ये कुशनिंग दी हुई है कफ, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में दिए हुए हैं, इसको रिमूव करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। लेंथ जो है करीब 15 इंच की दी हुई होगी, 38 साइज में मंगवाया हुआ है और मैं एल साइज की ड्रेस पहनती हूँ, मतलब सूट वगैरह जो है, जैसे मैंने ये सूट पहना हुआ है एल साइज का पहना हुआ है और ये मैंने 38 साइज का ब्लाउज मंगवाया हुआ है, तो एकदम परफेक्ट फिट आया है। जो भी एल साइज की ड्रेस पहनता है ना उसके लिए 38 या 40 में आएगा। अल्टर किसी में लिखा रहता है, किसी में अल्टर नहीं लिखा रहता है, तो अल्टर वाला कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो सेम ही होता है 40 नंबर। तो ये आपको एल साइज की ड्रेसों के लिए आएगा। अगर आप मीडियम पहनते हो तो 36 मंगवाएगा, 36 वैसे ज्यादा परफेक्ट रहेगा मीडियम वालों के लिए। तो ये मैंने मंगवाया, इसकी कपड़े की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लाइनिंग वगैरह बहुत अच्छे से लगा के दिया हुआ है, तो एकदम सिल्क का कपड़ा है। 174 में मुझे मिला, इतनी अच्छी इसकी क्वालिटी है यार, देखो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, मतलब कपड़े की क्वालिटी मैंने इतनी इससे एक्सपेक्ट नहीं की थी। 174 मतलब क्या ही होता है, आप टेलर के पास एक सिलवाने भी जाओगे नॉर्मल सा ब्लाउज भी तो आई थिंक 250 रुपए लगते हैं, ये मुझे इतनी कम प्राइस में मिला, मतलब बिलीव ही नहीं होता। आप प्लीज जरूर इसको ट्राई करिएगा, अगर आपको पसंद आ रहा है, आप सोच रहे हो इतना सस्ता इसमें क्या कपड़ा मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आया है। बट और ये स्लीव्स इसकी दी हुई है, अंदर स्लीव्स भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं है, तो हो सकता है ये स्लीव्स थोड़ा सा मुझे लग रहा है छोटा पड़ जाए, मे बी आ जाएगा, मे बी हल्का सा अगर छोटा पड़ जाए तो आप नेट वगैरह की स्लीव्स लगवा सकते हो, वैसे तो सही दी हुई है। स्लीव्स में भी लाइनिंग वाइनिंग लगा के दिया हुआ है प्रॉपर। और सबसे ज्यादा अच्छी चीज पता है क्या है, कि इसमें इतना ढेर सारा मार्जिन दिया हुआ, इंटरलॉक वगैरह बहुत ही अच्छे से करवाया हुआ है, इतना ढेर सारा मार्जिन दोनों तरफ अगर आप देखने जाओगे तो 1 इंच से ऊपर 1.5 करीब इंच मार्जिन दिया हुआ है। ये बहुत, अगर ब्लाउज थोड़ा बहुत टाइट हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप मार्जिन दिया रहता है, आराम से फिट करवा सकते हो, तो ये बहुत अच्छा रहता है, ये प्लस पॉइंट रहता है एक। तो नेक वगैरह इसका बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है, एकदम हॉट सा लुक आ रहा है इसको पहनने पे। फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह का कुछ ब्लाउज ट्राई करा जो है इस तरह की स्ट्रेप वाला पतली सी, तो मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगा, जबकि मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह का पहना था, बट मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगा। ये मस्ट बाइंग है ना, तो ये आपको इसकी नेक्स्ट जो ब्लाउज है, मैं सोचा दोनों जो है इसी से रिलेटेड, एकदम सिमिलर, काफी सिमिलर ब्लाउज मतलब है ये दोनों, बट फिर भी पैटर्न वगैरह सारा अलग है। तो ये लेस दी हुई है, जो गोटे पट्टे वाली सिंगाड़े वाली लेस होती है वो लेस दी हुई है नेक पे,
पूरा फ्रंट और बैक दोनों साइड दिया हुआ, बहुत ही अच्छी सी डोरी दी हुई है। ये लटकन देखो, टैसल्स कितने अच्छे लगाए हैं। क्या होता है, इसी कपड़े के एकदम सेम सिल्क वाला कपड़े का लगाया हुआ टैसल। बहुत सारे ब्लाउज में क्या होता है, एकदम कॉटन जो अंदर लाइनिंग लगाई होती है उसके टैसल्स लगा के दे देते हैं, वो बहुत ही चीफ लगते हैं मुझे। ये ग्रीन कलर एकदम डार्क ग्रीन जो होता है ना, वो कलर आएगा। डार्क ग्रीन कलर के ब्लाउज बहुत सारी साड़ियों के साथ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी साड़ियों में पाइपिंग जो है ग्रीन कलर की दी होती है, या फ्लावर वगैरह एम्ब्रॉयडरी वगैरह ग्रीन कलर में दिया होता है। कंट्रास्ट में आप देखोगे तो मजेंटा ग्रीन और ब्लू, ये ब्लाउज कंट्रास्ट में बहुत ज्यादा जाते हैं। तो ये आएगा, और ये जो इस पे दिया हुआ है ये कपड़े का नहीं है, आई थिंक प्रिंट है ऊपर से, बट बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रिंट है या कपड़े का ही है। सो ये प्रिंट है ऊपर से। डोरी बहुत ही अच्छी क्वालिटी दी है, रेडीमेड वाली डोरी लगा के दी हुई है, तो एकदम बहुत सुंदर लग रहा है। इसके टैसल्स वगैरह बहुत अच्छे लग रहे हैं। नेक यार इतना ब्यूटीफुल सा है, नॉर्मल सा राउंड नेक ही, बट बहुत ही अच्छे से आ रहा है। इसके शोल्डर वगैरह बहुत अच्छे से कट किए हुए हैं, और ये शोल्डर जो है काफी बड़ा दिया हुआ है। जो फर्स्ट वाला ब्लू दिखाया उसका छोटा था, पतला सा था मतलब। तो नेक इसका डिसेंट सा नेक दिया हुआ है इस तरह से। सो ये रहा मेरा सेकंड ब्लाउज। हाँ, नीचे भी लेस दी हुई है। इसकी जो है लेंथ इसकी अगेन 15 साढ़े 15 के करीब आएगी, तो बहुत अच्छी लेंथ आ रही, बहुत छोटा नहीं हो रहा नीचे से। तो आपकी हाइट मतलब जितनी भी हो आ जाएगा आपको आराम से। ये मैंने 40 साइज में मंगवाया, ग्रीन कलर का 40 साइज में, 290 में पड़ा। यार मुझे ब्लाउज इस तरह के ब्लाउज इतनी कम प्राइस में मुझे मिल जाएंगे पता ही नहीं था। तो इसमें ये मार्जिन दिया हुआ है, इसके साथ ये डबल सिलाई दी हुई है, एक इधर ये सिलाई दिया हुआ है, एक ये इधर सिलाई दिया हुआ है। स्लीव्स वगैरह लगा के दी हुई है, इसकी स्लीव्स भी अंदर लगी हुई हैं। आपको मतलब अगर कट स्लीव नहीं पहनना तो आराम से पहनिए। अगेन इसका कपड़ा भी सिल्क है, प्योर सिल्क का मतलब प्योर वाला, वो ओरिजिनल सिल्क नहीं आ रहा है जो 2-4-10 हजार में आता है। ये एकदम सिल्क का कपड़ा है, ये देखिए पास से बिल्कुल दिखा देती हूँ मैं कपड़ा इसका। सो इसका और इसका कपड़ा लगभग सेम है, प्योर सिल्क का कपड़ा आ रहा है, प्योर सिल्क का कपड़ा आ रहा है। तो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी लग रही है इसकी पर्पल की तरफ। तो ये रहा वेलवेट का ब्लाउज। सो ये इधर लेस लगा के दी हुई है, लेस आपने इस तरह की लेस तो देखी होगी, लेस और जो वेलवेट की क्वालिटी, अगेन इसकी क्वालिटी यार बहुत ही ज्यादा अच्छी, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है। वेलवेट वो वाला वेलवेट नहीं है जो ऐसे ऐसे करने पे खराब हो जाता है, या एक दो वॉश करने पे खराब हो जाएगा, या फिर रुएं से निकलते हैं अलग अलग, बिल्कुल भी नहीं। आपको मैं पास से दिखा देती हूँ इसकी क्वालिटी कितनी ज्यादा मस्त है। सो इसकी नेक वगैरह पूरे में लेस लगा के दिया, और नेक ऐसा लगता है देखने से डीप है पर डीप नहीं है, बहुत अच्छे से आता है ये नेक फ्रंट का। और बैक का ऐसा लगता है कि डीप है, पर ये क्या होता है ना, जो मटके शेप में बने होते हैं, राउंड शेप में बने होते हैं, उनका नेक जो है ज्यादा डीप लगता है। अकॉर्डिंग टू वी में जो बने होते हैं वो कम डीप लगते हैं, भले ही इसमें तो कुछ है भी नहीं बट फिर भी उतना ज्यादा डीप नहीं लगता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये वी शेप में दिया हुआ है। ये इधर सिर्फ डोरी आएगी तो आपको इस पे एक हुक लगाना पड़ेगा, मुझे लगता है लगाना चाहिए, मतलब बिना हुक के आई एम नॉट कंफर्टेबल कि मैं ऐसे पहन के कहीं बाहर चली जाऊं, तो मैं इसमें हुक एक लगाने वाली हूँ। और मैंने कभी इस तरह के ब्लाउज जो है ट्राई नहीं किए हैं कि डोरी वाला ऐसे सिंगल, मतलब इतना डीप मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, बट फर्स्ट टाइम पहना तो मुझे बिल्कुल डीप नहीं लगा क्योंकि एकदम स्ट्रेट है। लाइनिंग वगैरह अच्छे से लगा के दी हुई है, लाइनिंग जो है मिक्स वाली है, इसमें जो है अल्टर मतलब करने की स्पेस नहीं है बिल्कुल भी, अंदर मार्जिन नहीं दिया हुआ है। ये देखिए ये वाली सिलाई नहीं है इसकी, ये वाली इस जगह स्टिचिंग दी हुई है, तो मार्जिन नहीं दिया हुआ है इस पे। इसकी फिटिंग यार एकदम मस्त आई है। तो मैंने इसमें 40 साइज मंगवाया हुआ है, और मैं एल साइज की ड्रेस पहनती हूँ, अगेन मैं आपको बता रही हूँ। तो ये मुझे पड़ा 301 रुपए में। यार इतना मस्त, इतनी अच्छी प्रीमियम हाई क्वालिटी का ब्लाउज है, ये 9000 वेलवेट दिया हुआ है, फिर भी इतना हॉट लग रहा है इसका लुक पहनने में आ रहा है। मस्त बाइंग प्रोडक्ट है यार, बहुत ही अच्छा लगेगा इस ये ब्लाउज, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। नेक्स्ट
अगेन पर्पल। सो मैंने सोचा कलर वाइज जो है डिसाइड कर लेती ताकि लोगों को अगर जो कलर का लेना हो तो वो थोड़ा सा आसान हो जाए देखने में। तो ये पर्पल कलर का आएगा। ये इस तरह से नेक दिया हुआ है इसका। ये जो लगाया हुआ ना ये फॉइल सी जो होती है ना, जो कपड़े पे ही एकदम कपड़े के अंदर फंसी होती है, वो वाला लगा हुआ है। इसको कहीं भी इधर उधर नहीं होगा। ये जो कपड़ा दिया हुआ है ये जैकार्ड सिल्क में दिया हुआ है। जैकार्ड में जो आता है जो साड़ियों के साथ पीछे लगा हुआ है, मतलब साड़ियों के साथ जो ब्लाउज वाला कपड़ा आता है ना जैकार्ड वाला, उस तरह का कपड़ा है ये। प्रिंसेस कट में ब्लाउज दिया हुआ है, पाइपिंग वगैरह अच्छे से लगाया हुआ है। नेक जो है इस तरह का डिसेंट सा नेक दिया हुआ है। डोरी इसकी अगेन कॉटन में दी हुई है, मोटी है इसकी डोरी जो है। टेसल्स लगाए हुए हैं, टेसल्स अच्छे लग रहे हैं। कट स्लीव्स दिया हुआ है और स्लीव्स दी हुई है, बहुत ही छोटी छोटी सी स्लीव्स देते हैं। आई थिंक 3 इंच में आपको जब बन के तैयार होगा 3 इंच में आ पाएगा, और स्लीव्स में बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं होता है। मतलब 40 नंबर मैंने मंगाया है और ये 307 रुपए में पड़ा। तो ये ब्लाउज मतलब ओके ओके है, नॉट कि मैं मुझे पहनने में बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जैसे मैंने जो ब्लाउज दिखाए हैं वो मुझे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लुक लगे, डिफरेंट लुक, डिफरेंट कपड़ा, एकदम कपड़े की क्वालिटी बहुत ज्यादा प्रीमियम थी। डिस्का ऐसा नहीं है, नॉर्मल सा ब्लाउज मुझे लगा ये। बट हाँ है थोड़ा सा हैवी दिख रहा है, बट अच्छा है लेने में, कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कपड़ा भी अच्छा है, लुक अच्छा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो ये रहा मेरा जो है ब्लाउज। अब नेक्स्ट जो ब्लाउज आएगा, आई थिंक अगर आप लोग मीशो चलाते हो तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा, ये व्हाइट कलर का ब्लाउज है। इसमें बहुत सारे कलर मिल जाएंगे आपको, और इसमें ये कलरफुल एम्ब्रॉयडरी की हुई है गोल्डन में, और ये पिंक, ग्रीन, सारे कलर लगाए हुए हैं इसमें। मैं बहुत टाइम से ये ब्लाउज लेना चाहती थी बट मैंने नहीं ट्राई किया। मुझे लगता था कि ये जो मैं बहुत टाइम से ये वाला ब्लाउज लेना चाहती थी बट सिर्फ और सिर्फ कपड़े की वजह से नहीं ले रही थी। कपड़ा और एम्ब्रॉयडरी मुझे लग रहा था पिक में देखने में तो अच्छा लग रहा है, बट जो मुझे मिलेगा वो बहुत दूर दूर की हुई एम्ब्रॉयडरी होगी, 4 धागे लगा दिए होंगे बस। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार, बहुत ही फाइन एम्ब्रॉयडरी की हुई है, बहुत ही अच्छी से एम्ब्रॉयडरी की हुई है, कुछ भी इधर उधर नहीं है, कोई धागे नहीं निकले और ना ही दूर दूर करके एम्ब्रॉयडरी की हुई है, बहुत ही पास पास क्लीन एकदम एम्ब्रॉयडरी की हुई है। इसका कपड़ा जैकार्ड सिल्क में आएगा, एकदम कलर जो है एकदम मस्त कलर आ रहा है, हल्का सा जो है ऑफ व्हाइट में आ रहा है। पाइपिंग वगैरह अच्छे से लगा के दी हुई है। नेक जो फ्रंट का है बहुत ही डिसेंट सा नेक है। आप इसको जैसे बहुत से लोग स्कर्ट पहनते हैं, शादी में पहना स्कर्ट पहन लिया हल्का सा, या उनके साथ जो दुपट्टा आता है ले लिया, या फिर नहीं भी लिया, तो ये उस तरह का ब्लाउज भी आएगा आपको पहनने में। आप लहंगे वगैरह जो है स्कर्ट वगैरह के साथ पहन सकते हो। बैक का नेक जो है इस तरह से दिया हुआ है, ये इधर ऊपर डोरी आएगी, फिर एक कट आएगा मटका, और नीचे ये जो है हुक दिए हुए हैं। सो ये कट जो है शोल्डर कट बहुत ही ज्यादा अच्छा आ रहा है, शोल्डर कुछ भी ऑकवर्ड नहीं लग रहा है, बहुत ही अच्छे से कट आ रहा है शोल्डर कट। काफी डिसेंट सा ब्लाउज है एक्चुअली, ये मुझे क्रॉप टॉप की तरफ ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये रहा मेरा ब्लाउज। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट करके बताइए। ये रहे इसके टेसल्स जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी दी हुई, मुझे ये ब्लाउज बहुत ज्यादा पसंद आया। इसकी क्वालिटी, इसका लुक और इसका पैटर्न जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बहुत सारी साड़ियों के साथ जाएगा, लाइट जिसमें आप लाइट कलर का ब्लाउज पहनना चाहते हो उन सबके साथ आराम से जाएगा। तो मस्ट ट्राई करिएगा जरूर इस ब्लाउज को, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे तो। पहले दिखाते हैं फिर बात करते हैं। ये रहा मेरा रेड कलर का ब्लाउज यार, ये जैसे एकदम रेड दिख रहा है वैसा रेड ये नहीं है कलर, इसका थोड़ा सा मरूनिस में है। आई थिंक लाइट की वजह से ज्यादा जो है एकदम रेड दिख रहा है, टोमेटो रेड दिख रहा है, बट टोमेटो रेड इसमें कलर मिल जाएंगे। बहुत सारे कलर अवेलेबल थे, आप जो कलर आपको चाहिए वो कलर आप ले सकते हो। ये फॉइल मिरर सितारे वाले जो होते हैं ना, ये देखिए टक करे हुए हैं अंदर से सितारे वाले, और इसकी चारों तरफ एम्ब्रॉयडरी की हुई है। सो ये रहा इसका फ्रंट लुक। फ्रंट लुक इतना हैवी इस तरह से दिया हुआ है, ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा हैवी होगा पर बहुत लाइट है।
जैसे आप नेट वगैरह के दुपट्टे यूज करते हो या नेट वगैरह की साड़ियां पहनते हो, उसमें फ्रंट जो है पूरा विजिबल होता है, तो उसमें अगर आप हैवी इस तरह का कुछ ब्लाउज पहनते हो तो ज्यादा अच्छा लगता है, लुक जो है ज्यादा अच्छे से आता है। तो ये फ्रंट इस पर्पज से मुझे ज्यादा पसंद आया। ये नेक में ही एक सिंगल लगा के दिया हुआ है यार, नीचे इतनी अच्छी क्वालिटी जो है इसमें, मतलब इतना अच्छा चौड़ा सा बॉर्डर पूरा एम्ब्रॉयडरी की हुई है जो बहुत ही ज्यादा इनहेंस कर रही है ब्लाउज को। बैक पे भी अच्छे से लगा के दिया हुआ है, एकदम हुक वगैरह बढ़िया से लगा के दी हुए, डोरी लगा के दी हुई, नॉर्मल से एक टेसल्स लगाए हुए। आप ज्यादा इनहेंस करना चाहते हो तो टेसल्स आप चेंज कर सकते हो इसको, अगर आपको थोड़ा सा कुछ और करना है। बट यार इसकी क्वालिटी अगेन बहुत ज्यादा मस्त है, इसका कपड़ा भी अच्छा आ रहा है, जैकार्ड सिल्क में है। बट मुझे नहीं लगा था कि ये इतना अच्छी क्वालिटी में मुझे मिल जाएगा यार। जब मैंने इसको ओपन करा तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा यार, इसका कंफर्ट, इसका जो है लुक जो इतना मस्त आ रहा है। सो इसमें स्लीव्स मिल जाएंगी, बट स्लीव्स प्लेन होंगी, पूरी लाइनिंग वाइनिंग पूरा स्लीव्स में लगा के मिलेगा, छोटू सा स्लीव्स है। इसमें जो है मार्जिन जो है करीब 1 इंच का दिया हुआ है दोनों दोनों तरफ 1 इंच का। अगर आपको थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है तो आप इसको अल्टर करवा सकते हो। तो विदाई विदाई हो रही है, आपकी शादी हो रही है, आपके विदाई के टाइम जो आप ड्रेस पहन रहे हो, साड़ी पहन रहे हो या लहंगा पहन रहे हो, उसमें आप ये जो है पहन सकते हो। साथ ही में आपके फंक्शन हो रहे हैं, मतलब इंगेजमेंट है या फिर रिसेप्शन वगैरह है, उस शादी के बाद का फंक्शन है, तो उस पर्पज से बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, सो सबके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। एंड वीडियोस को पसंद कर रहे हो, उन्हें देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, लाइक कर रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उस एक 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 बंदे को थैंक यू जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या फिर मेरे वीडियो को वॉच किया है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज इसी तरह आप अपना सपोर्ट और साथ बनाए रखिएगा। तो चलिए फेस्टिवल आ रहे हैं, शादियां आ रही है, तो एक रेट में कैसे काम चलेगा, तो रेट तो और बनता है। सो है मेरा सोस टॉपर ब्लाउज, अब तक का सबसे मतलब अलग, सबसे डिफरेंट ब्लाउज, मतलब सबसे ज्यादा पसंद आने वाला ब्लाउज। इससे पहले मैंने बहुत सारे रेडीमेड ब्लाउज लिए हैं, बहुत बहुत सारे लिए हैं, तो लेकिन सबसे ज्यादा जो सुंदर लगा अब तक का वो ये ब्लाउज है यार। मतलब ब्लाउज सुंदर तो बहुत सारे लगे, कुछ अलग अलग होते हैं ना, कुछ हॉट लगते हैं, कुछ नॉर्मल लगते हैं, आप किस पर्पज से ले रहे हो। ऐसा तो नहीं है ये आपने ब्लाउज लिया और आप पहन के मार्केट चले गए, तो हर ब्लाउज की कैटेगरी अलग होती है। बट यार ये जो ब्लाउज है ये ब्राइडल स्पेशल ब्लाउज है, कितनी सुंदर इसका पूरा जरी का ये सीक्वेंस का ये धागे की क्वालिटी दी हुई है गोल्डन, ये बहुत ही ज्यादा डिसेंट, मतलब बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी का वर्क दिया हुआ है। और ये जो डिजाइन पूरा बनाया हुआ है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे तो ये इतना पूरा चौड़ा सा बॉर्डर दिया हुआ है, एकदम ये देखो इतना चौड़ा सा बॉर्डर दिया हुआ है। क्वालिटी तो आप लोग मतलब कहने की जरूरत ही नहीं है, इसमें कुछ खुद ही दिख रहा होगा यार, इतना मस्त ब्लाउज। इधर पफ स्लीव्स दिया हुआ है, जैकार्ड सिल्क में कपड़ा दिया हुआ है, ये देखिए नेक वगैरह सारा कुछ बहुत ही अच्छे से कवर किया हुआ है। नेक में ये पूरी डिजाइन बनाई हुई है, अगेन वही सेम क्वालिटी यूज की है, कहीं ऊपर नीचे नहीं किया हुआ है, ये देखिए पूरा बहुत ही अच्छे से। और सबसे फ्रंट में इसका हुक दिया हुआ है, नेक एकदम डिसेंट सा नेक आ रहा है। अगर आप नहीं चाहते कि आप मैं फुल कवर करके जो है दुपट्टा फुल कवर करके साड़ी पहनूं या लहंगे का जो दुपट्टा है वो फुल कवर करूं, आप स्ट्रेट में डालना चाहते हो तो आप आराम से डाल सकते हो, कुछ भी ऑकवर्ड नहीं लगेगा। इसमें ये कफ की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप चाहे तो इसको रिमूव कर सकते हैं, तो मैं इसके तो रिमूव करने वाली हूँ, मुझे इसके ये ज्यादा अच्छे पसंद नहीं आए तो मैं इसका रिमूव कर दूंगी। बैक पे यार पूरा ये देखो लुक, सो बैक का ये लुक आ रहा है पूरा अच्छे से, मतलब नेक वगैरह एकदम मटका स्टाइल में बनाया हुआ है, उसमें पूरी एम्ब्रॉयडरी करी गई हुई है।
सो ब्राइडल स्पेशल ब्लाउज है ये, स्पेशली करवा चौथ के हिसाब से, स्पेशली आपकी शादी हो रही है या फिर आपको हैवी लुक चाहिए ब्लाउज में, डिजाइनर कुछ चाहिए, उसके लिए एकदम परफेक्ट है। सो ये टेसल्स लगा के दिए हुए हैं, टेसल्स भी अगेन अच्छे से लगा के दिया हुआ है, ये कॉटन का लगाया हुआ है, कुछ भी अजीब सा नहीं लग रहा है इसमें, नीचे से ये साइनिंग वाला लगा दिया तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, एंस कर रहा है। डोरी रेडीमेड डोरी लगा के दी हुई है, फिटिंग जो है बहुत ही अच्छी आ रही है इसकी। मैंने 38 अल्टर मंगवाया हुआ है और मैं एल साइज की ड्रेस पहनती हूँ और मुझे एकदम परफेक्ट फिट आया है, बट ये नीचे से जरा सा मुझे लूज लगा, ये इसमें इधर इधर चेस्ट एरिया से एकदम परफेक्ट है, ये तो मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये बहुत ही ज्यादा मस्त है, इसकी प्राइस बताऊंगी ना तो आप एकदम चौंक जाओगे, अरे इतनी कम प्राइस में यार कुछ तो झोल होगा ऐसे, मतलब लोग बोलेंगे, बट कोई भी झोल झमाला कुछ भी नहीं है। तो ये मुझे पड़ा 358, मतलब 358 रुपए में, 358 रुपए में ये ब्लाउज। मैं तो ऐसे 10-12 ब्लाउज अपने पास रख लूं लेके, और मिल जाए मुझे इतनी कम प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी में। तो ये है यार शो स्टॉपर ब्लाउज, मस्ट 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 बाइंग प्रोडक्ट है। आप कुछ भी, मतलब आपको फंक्शन, आपकी शादी, आपको या जो आप न्यूली मैरिड हो तो इसको जरूर ट्राई करिएगा, आपके कलेक्शन में होना ही चाहिए यार ये लुक। कोई बंदा आपने पहना हुआ है और कोई बंदा ऐसा नहीं होगा कि आपके ब्लाउज की तारीफ ना करे, या भले तारीफ ना देखे ना मुड़ के, ये वो ब्लाउज है कि आपको एक बार जरूर मुड़ के सब लेडीजे देखेंगी कि ये यार ब्लाउज कितना सुंदर है इसका, इसकी मतलब साड़ी के साथ मिला हुआ इतना सुंदर ब्लाउज। पिछली वाली जो मेरे जो है ब्लाउज जो वीडियो था उसमें मैंने इसका ग्रे कलर मंगवाया था, ग्रे कलर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी, बहुत ही अच्छी स्टिचिंग सी दी हुई थी, उसी में मैंने सेम देखा कि ये कम में पड़ा हुआ है, आई थिंक 250 रुपए में करीब ये ब्लाउज पड़ा हुआ, तो मैंने सोचा मंगवा के देखती हूँ क्या डिफरेंस आता है, कि मैंने वो 450 रुपए का ब्लाउज मंगवाया और ये 250 रुपए में लगभग पड़ा हुआ है, तो क्या है कि वाकई में डिफरेंस होता है। ये यहां से देखो, मैंने मतलब एल साइज का ब्लाउज मंगवाया, ये इस जगह से एकदम छोटा सा कर दिया है, बिल्कुल कट ऐसे बनाया हुआ है, अजीब सा कट किया हुआ है, बाकी नेट जो है उससे कम अच्छा है, जो मैंने ग्रे कलर में दिखाया था उससे कम अच्छा नेट क्वालिटी आ रही है, नेक भी ठीक ठाक दिया हुआ है, ये तो बिल्कुल बेकार से दिए हुए हैं, जबकि इसमें तो नीड है कि आप जो है जरूरत है, और नेक मैं दिखाती हूँ बैक का, उसमें एकदम छुट्टू सा ये कट दिया हुआ है, बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे ये ब्लाउज अकॉर्डिंग टू वो ग्रे वाला ब्लाउज, तो मुझे ज्यादा अच्छी क्वालिटी इसकी नहीं लगी, जबकि साइन तो कर रहा है ये, नेट भी हल्का नेट, हल्का वाला नेट दिया हुआ है, ये जो स्टिचिंग है नेक बनाया हुआ वो भी मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया, और ये मुझे साइज भी नहीं आएगा, तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप ये वाला ब्लाउज लो। सो मैंने जो जिस वाला ग्रेज लिया था उसी सेलर से मैंने ये वाला ब्लाउज मंगवाया गोल्डन कलर का, तो अगेन देखिए इसकी क्वालिटी अच्छी है, उसको एकदम लूज लूज हो रहा है नेट, तो ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ये अच्छी क्वालिटी में आया हुआ है, एकदम परफेक्ट फिटिंग वगैरह अच्छे से दी हुई है, एकदम सिलाई वगैरह स्टिचिंग वगैरह अच्छे से किया हुआ, नेट की क्वालिटी अगेन इसकी अच्छी है, उसकी कम अच्छी है, और ये देखिए ये होता है नेक ऐसे, वो एकदम कॉपी करा हुआ है, ये अच्छे से मटका नेक आएगा इस तरह से कट बना हुआ है, डोरी बस इसकी डोरी नहीं अच्छी लगती मुझे, बाकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ब्लाउज दिया हुआ है, ये नेट वगैरह अच्छे से लगा के दिया हुआ है। सो ये तो आपको अगर ब्लाउज कलेक्शन मेरा पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि मेरे जो भी वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, एसटी वियर के हिसाब से और वेडिंग वगैरह के हिसाब से पूरे हॉल वीडियो जो है रेडी करे हुए हैं, तो आप लोग कुछ भी मिस मत करिएगा, जरूर वॉच करिएगा और प्लीज फुल वीडियो वॉच करिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो बतानी होती हैं तो थोड़ा लंबा होता है वीडियो, पर प्लीज आप फुल वीडियो वॉच करिएगा ताकि आपको अच्छे से जो है रिव्यू मिल पाए। तो ये है नेक्स्ट वीडियो ब्लाउज,
जो बहुत ही सिंपल सा सोवर सा है, गर्लिश लुक में आता है काफी। सो जैसे आप अगेन मैंने एक और स्कर्ट के हिसाब से पहनने के हिसाब से ब्लाउज दिखाया था, ये तो एकदम स्कर्ट वगैरह आप पहनते हो तो एकदम परफेक्ट आता है उस तरह से। नेक इसका मुझे हल्का सा लिटिल बहुत ही हल्का सा जो है टाइट आया। साइज जो है 44 तक मिल जाएंगे बट मैंने 40 साइज मंगवाया हुआ है तो मैं इसको अल्टर कर लूंगी, मुझे रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही जरा सा मुझे टाइट हुआ इस जगह से, नीचे एकदम परफेक्ट फिट आया, ऊपर से एकदम सही से शोल्डर वगैरह बैठ रहा है यार। इसका नेक जो है बहुत ही अच्छे से आ रहा है। ये बैक में आएगा, बैक में डबल हुक लगे हुए हैं, ये ऊपर लगा हुआ है और ये नीचे हुक लगा हुआ है, बीच में इस तरह से कट दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, शोल्डर वगैरह की फिटिंग एकदम बहुत ही अच्छे से आ रही है कि जैसे क्रॉप टॉप वगैरह की फिटिंग होती है ना, स्टिचिंग होती है उस तरह से इसकी स्टिचिंग की हुई है शोल्डर की नेक की, तो ये उस हिसाब से एकदम परफेक्ट रहेगा। स्कर्ट वगैरह पहनना है तो उस हिसाब से एकदम परफेक्ट रहेगा। और ये 245 में मुझे पड़ा, 245 में इसकी क्वालिटी सिल्क प्योर सिल्क है, वो जैकार्ड वाला जो मोटा मोटा सा कपड़ा आता है ना, मोटा मोटा सा जो कपड़ा आता है उसका बिल्कुल भी नहीं, एकदम फाइन सा कपड़ा है सिल्क का, प्योर सिल्क का कपड़ा है फाइन वाला। सो इसकी क्वालिटी, इसका लुक जो है सिंपल और सोवर सा आ रहा है। इसके साथ आप जैसे 3D प्रिंट वगैरह के जो स्कर्ट पहनते हो या फिर फ्लेयर वाले जो स्कर्ट पहनते हो वो बहुत ही अच्छे से जाएंगे। सो ये रहा मेरा जो है ब्लाउज कलेक्शन, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज आप लोग मेरा फुल वीडियो वॉच करा करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज प्लीज प्लीज, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए और प्लीज इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। बाय बाय।